पश्चिमी यूपी में भाजपा ने अखिलेश और जयंत चौधरी की रणनीति को सीधी चुनौती दे डाली है। पश्चिम से आने वाले जाट नेता भूपेंद्र चौधरी के हाथों में यूपी में पार्टी की कमान सौंपकर भाजपा ने यह साफ कर दिया है कि 80 में से 80 सीटें जीतने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की जमीन पर भाजपा का प्रदर्शन बाकी तमाम इलाकों से खराब रहा था, इसलिए पार्टी इस बार कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं। पश्चिमी यूपी में ये कहावत मशहूर है कि जिसके जाट उसकी ठाट। भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि तो ठाट से जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने जाट वाला दांव खुल कर चल दिया है। भाजपा 2024 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की राह में कांटे बिछाना चाहती है, इसके लिए उसकी नजर जाट वोटरों पर है। किसान आंदोलन के बाद ये बात चर्चा में रही कि जाट भाजपा से नाराज हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में इस साल राज्य में दोबारा योगी सरकार बनी। पश्चिमी यूपी में विधानसभा चुनाव के नतीजे भाजपा का हौसला बढ़ाने वाले रहे। पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2017 यानी 5 साल पहले के चुनाव की तुलना में इस बार भाजपा को कम सीटें तो मिली, लेकिन विरोधियों पर फिर भी उसकी बड़ी बढ़त कायम रही। 2017 में भाजपा को 109 सीटें मिली थी तो इस बार 93 सीटें मिली। वहीं सपा ने पिछली बार 21 सीटें जीती थी तो इस बार 35 सीटें। रालोद ने पिछली बार 1 सीट जीती थी और इस बार 8 सीट। बसपा ने 2017 में पश्चिमी यूपी में 3 सीटें जीती थी तो इस बार उसका सफाया हो गया। अगर कांग्रेस की बात करें तो 5 साल पहले 2 सीटों पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस इस बार 0 पर आउट हो गई। पश्चिमी यूपी की इस महाविजय को भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में और बड़ा बनाना चाहती है। रालोद और सपा के गठबंधन के असर को कमजोर करने के लिए उसने पहले से ही यादव वोट बैंक और पसमांदा मुसलमानों के वोट बैंक में सेंधमारी कर दी है। अब बारी जाट वोटरों को पूरी तरह अपने पाले में गोल बंद करने की है। केंद्र की भी योजना है, हम पार्टी के प्रदेश स्तर पर भी योजना है। हमने आपने देखा उन 16 सीटों में 2 सीटें हम जीते हैं रामपुर आजमगढ़, जो शेष सीटें जीती हैं उनकी भी कार्य योजना बनाकर विस्तृत हम लोग चुनाव जीते। भूपेंद्र चौधरी जिन 14 सीटों पर महाविजय की योजना की बात कह रहे हैं, दरअसल भाजपा ने उसे चुनौती के रूप में लिया है। ये वो सीटें हैं जिन पर पार्टी 2019 के चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार उसकी तैयारी तूफान में है। इनमें से 8 सीट पश्चिमी यूपी में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।